नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में ब्लैक फंगस का पहला मामला, IGMC में भर्ती हमीरपुर की महिला में हुई संक्रमण की पुष्टि। प्रदेश में 26 के बाद भी कोरोना कर्फ्यू रहेगा जारी, जयराम बोले हालत सामान्य ना होने तक जारी रहेगी सख्ती। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1352 केस, कांगड़ा में 836 मामले, 45 की मौत। सीएम बोले धर्मशाला में बनेगा होटल प्रबंधन संस्थान, 11.75 करोड़ रुपए होंगे खर्च। HPU ने बीएड के लिए मांगे आवेदन, 26 जुलाई को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। चंबा में पिता ने लूटी बेटी की आबरू, शिमला में ताऊ बना हैवान। कांगड़ा में छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों की 4 घंटे लग सकेंगी ऑनलाइन क्लास। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के कोविड वार्ड में दाखिल एक महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित पाई गई है। ये महिला हमीरपुर के खागर क्षेत्र से हैं और उसे शुगर व BP की समस्या भी है। 52 वर्षीय महिला 4 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और बाद में 8 मई को सांस की तकलीफ के चलते उसे हमीरपुर से नेर चौक रेफर किया गया। इसके बाद नेर चौक से उसे IGMC शिफ्ट किया गया। महिला के नाक के पास ब्लैक फंगस पाया गया है। IGMC के MS डॉक्टर जनक राज ने IGMC में उपचाराधीन महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि की है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। पहले कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक लगाया गया था, फिर इसे बढ़ाकर 26 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। वहीं 26 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू जारी रह सकता है, इस बात के संकेत CM जयराम ठाकुर ने दिए हैं। CM ने बताया कि हिमाचल में भले ही मामले कम आने लगे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते प्रदेश में सख्ती जारी रहेगी। CM ने बताया कि हिमाचल की मांग पर ऑक्सीजन कोटे को 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन किया गया है। इसको 40 मीट्रिक टन करने की मांग उठाई गई है, जिसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1352 मामले सामने आए हैं, वहीं 341 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 45 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 19, शिमला में 7, हमीरपुर में 5, सिरमौर व सोलन में 4-4, चंबा में 3, ऊना में 2 व मंडी में 1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,71,426 पहुंच गया है। अभी 32,499 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,36,347 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,561 है। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में वर्तमान फूड क्राफ्ट संस्थान को स्तरोन्नत करके 11.75 करोड़ रुपए की लागत से होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये संस्थान आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को मंडी जिले में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का LIDAR सर्वेक्षण करने के अलावा बद्दी, रामपुर और कंकनीधार में हेलीपोर्ट का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। CM ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को लोगों के लिए समयबद्ध सुविधाएं प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। CM आज यहां पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना महामारी के बीच बीएड करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2021-22 सत्र के लिए 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत धर्मशाला कॉलेज और प्रदेश के निजी कॉलेजों के लिए मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 20 मई से 18 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही ये आवेदन कर पाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई 2021 को करवाई जाएगी। ये परीक्षा एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित होगी। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में अब बेटियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। हिमाचल के शिमला और चंबा जिला में 2 ऐसी ही रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला मामला जिला चंबा में सामने आया है। यहां सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मामला शिमला के रामपुर में सामने आया है। यहां पिता समान एक ताऊ ने अपनी 7 साल की सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा जिला में ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए दिन में 2 घंटे तक की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा सकती हैं, जबकि 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दिन में 4 घंटे तक की ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त 9वीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक की कक्षाओं की समयावधि संबंधित स्कूल तथा कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि बढ़ाने को लेकर अभिभावकों द्वारा मांग उठाई जा रही थी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।